ऊपर वाले कर्म है कि यहाँ पे सब लोग सहयोग अगल बगल वाले भी करते हैं, लेकिन हमारे मोहल्ले के लोगों ने कभी ये नहीं फील होने दिया कि यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। सर, नवरात्रि और रमजान शरीफ को लेकर के सुरक्षा व्यवस्था क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, नवरात्रि को लेकर के जनपद में पूरी तैयारी कर ली गई है। मंदिरों में कुछ विशेष मंदिर है जहाँ पर भीड़ भाव होती है, वहाँ पर बत्तियाँ लगा दी गई हैं। यहाँ जो चार घाट हैं वहाँ भी, सरणी में दो घाट हैं, डलमऊ और ऊँचा आगे महत्वपूर्ण घाट है, यहाँ भी बत्तियाँ लगा दी गई हैं, चूँकि कुछ लोग यहाँ पर स्नान भी करने आते हैं। जनपद में पूरे नवरात्रि के दौरान 6 जुलूस निकाले जाते हैं, जो बहुत बड़े जुलूस नहीं है, जो अधिकतम संख्या उसमें होती है 400 से 500 तक होती है। कोतवाली का जुलूस थोड़ा बड़ा होता है, उसमें भी रूट देख लिया गया है आयोजकों के साथ, उसकी ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और संपूर्ण तैयारियाँ करके सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसी भी तरह की कोई घटना ना होने पाए और निरापद रहे सारा त्यौहार। उसी तरह की तैयारी रमजान के लिए भी की गई है। रमजान में भी 6 जुलूस निकाले जाते हैं विभिन्न अवसरों पर। 18वीं जो रमजान है एक दिन निकलता है और बाकी अगले 2-3 दिनों में बाकी के जुलूस निकलते हैं, उनके भी रूट देख लिए गए हैं, उनके आयोजकों से बात कर ली गई है। थानों में पीस कमेटी की बैठकें कर ली गई हैं, कुछ थानों में भी चल भी रही हैं, और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स हैं सबसे बात करके कोशिश किया जा रहा है कहीं भी किसी तरह की समस्या ना आए और दोनों ही त्यौहार शांति से निपटाए जा सके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रईस खान। यहाँ महबूब आलम जो मस्जिद दरगाह है, इस कमेटी में आपकी क्या जिम्मेदारी है, कौन से पत्ते हैं आप? ये खानकाह हजरत सैयद महबूब आलम शाह रहमतुल्लाह अलैह वक्फ बोर्ड से, उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड से मैं यहाँ का अध्यक्ष हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नवरात्रि भी चल रही है और रमजान शरीफ भी चल रहा है, इसको लेकर के क्या कोई दिक्कत ऐसा है, कोई महसूस होता है, या और शासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम हैं? ये जो मकाम है, ये जो जगह है, ऐसी जगह पे है कि यहाँ कोई मुस्लिम मोहल्ले नहीं है, अगल बगल कोई मुस्लिम आबादी नहीं, हमारी हिंदू भाइयों की आबादी है, लेकिन फुल कॉपरेट पूरी ताकत से वो हमारे साथ रहते हैं। कोई किसी किस्म का ना हमको यहाँ ऐसा लगता है कि हम असुरक्षित हैं, बिल्कुल सुरक्षित है। कभी प्रशासन से हमने गुहारी नहीं लगाई कि हमको सुरक्षा दे, सब लोग बहुत कॉपरेट। फिर भी एहतियातन पीस कमेटी में आप लोगों को बुलाया गया होगा? वैसे मुझे लगा कि मैं जब बाहर निकला हूँ नमाज से पहले, तो प्रशासन के लोग थे मौजूद, 4-5 लोग 6 लोग मौजूद थे उसमें, दरोगा लेडी के लोग थे, और ऊपर वाले कर्म है कि यहाँ पर सब लोग सहयोग अगल बगल वाले भी करते हैं। थोड़ा सा वही मोटरसाइकिल वगैरह अव्यवस्थित हो जाती, उनको अभी हमने हमारे बगल में ट्रैफिक को लेकर के प्रताप गैरेज वाले, उन्होंने पूरी जगह दे दी कि आपने आकर, बाकी खुशनुमा माहौल है कोई। अगर गंगा जमनी तहजीब देखनी है तो आप महबूब आलम, जमनी तहजीब देखनी हो तो ये 6 दिन की तरावी है, और इससे बाद भी अभी जून में उरस है, लेकिन हमारे मोहल्ले के लोगों ने कभी ये नहीं फील होने दिया कि यहाँ मुस्लिम आबादी नहीं, वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफी। आप यहाँ पे किस जिम्मेदारी पे हैं? यहाँ पर मैं इमाम हूँ, मस्जिद का नमाज पढ़ता हूँ। रमजान शरीफ और है और नवरात्रि भी चालू है, इस तरीके से जो है शासन की तरफ से क्या कहा गया आप लोगों को, क्या जिम्मेदारी बताई गई सुरक्षा व्यवस्था के लेके? क्या प्रशासन की तरफ से कोई सुरक्षा व्यवस्था, कुछ गाइडलाइंस जो गाइडलाइंस आएंगे उसको जो है इंशाल्लाह हम लोग निभाएंगे। अभी कमेटी की तरफ से भी हमको कोई गाइडलाइंस नहीं मिली है। जी जी, साउंड वगैरह को लेकर के और ऐसा कुछ? साउंड का वॉल्यूम पहले कम करने के लिए कहा गया था, वॉल्यूम कम किया गया है, अगर फिर और कम करने के लिए आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।